वेलकम एवरीबॉडी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। मेरी न्यू जॉइनीज आर देयर इन दिस वेबिनार, वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज संगीता। बाय प्रोफेशन आई एम एन एस्ट्रोलॉजर हीलर बाय मोर देन 15 इयर्स एंड आई हैव बीन यूजिंग स्विचवर्ड अलोंग विद माय क्रिस्टल हीलिंग अलोंग विद मेनी अदर मोडालिटीज लाइक आकाशिक या इंट्यूटिव हीलिंग। सो व्हाट वी डू इज हीलिंग। हीलिंग में एक ऐसा छोटा सा वर्ड है जिसमें सब कुछ समा जाता है, मेड बी एस्ट्रोलॉजी, लाइक द वे यू कंसल्ट योर यू नो जो भी आता है उनको आप कंसल्टेशन देते हो, प्रेडिक्शन देते हो, दैट्स ऑल्सो हीलिंग, राइट। सो हीलिंग जब आप बोलते हो तो एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ एंड दैट फ्लोज विथ योर इंट्यूशन। सो स्विच वर्ड एक ऐसा मोडालिटी है विच इज वेरी ईजी टू लर्न, वेरी इजी टू अप्लाई। सर मैं अपना फोटो पिन करना चाहूंगी ताकि मुझे फ्लो आए। यू आर अ कोच, यू कैन डू दैट। मैं कर रहा हूं, अपने आप को देख के बात करती हूं। दिस मेनी पीपल नो। सो सो द थिंग इज स्विच वर्ड जो है इट्स अ वेरी मिरेकुलस वर्ड व्हिच आई हैव पर्सनली बीन यूजिंग फॉर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स एंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से ये सीखा है। एंड जो सबसे बड़ा गुरु है फॉर स्विच वर्ड आज की तारीख में शी इज कैट मिलर। कैट मिलर इज लाइक द अन्नदाता फॉर द स्विच वर्ड। एक्चुअली जेम्स जी मैगन है बट देन उन्होंने वहां से वो पीढ़ी लिया है, सो उनके अंदर भी सीखा है हमने। सो वहां पे क्या है, इट्स लाइक यू नो इट जस्ट कम्स विद द फ्लो व्हेन वी स्पीक, राइट। जैसे पुराने उसमें बोलते हैं ना, सरस्वती माँ आपके जुबान पे होती है तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट स्विच वर्ड मीन्स। कोई भी वर्ड जब आप बोलते हो उसमें अगर आपका पूरा इंटेंशन, इंटेंशन इज योर गन पाउडर, जब आप कोई बंदूक चलाते हो तो उसमें आपको बुलेट्स लगानी होती है ना, दैट इज द इंटेंशन। जब आपने इंटेंशन सेट कर ली और आपने वो बोलना शुरू कर दिया देन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दैट इज हाउ स्विच वर्ड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। स्विच वर्ड इज लाइक, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया, वो आया आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली। दैट इज द मोस्ट पावरफुल माइंड दैट वी ऑल नो, हम सबको पता है कि कॉन्शियसली जो है 12% ही काम करता है, बाकी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा हमें कंट्रोल करता है बिकॉज हम ऑटो पायलट मोड में होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो अपने आप आंखें बंद करके बाथरूम में जाते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम सारे सुबह का काम करते हैं एंड देन नहाते हैं एंड देन हाउ मेनी टाइम्स इन योर लाइफ यू आर कॉन्शियसली डूइंग ऑल दीस थिंग्स। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है यार मैंने ब्रश किया क्या, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग इन आवर वेज, हमारे रोज का जो काम है उसको खुद ऑटो पायलट मोड में कर। दैट इज द पावरफुल माइंड दैट इज कंट्रोलिंग, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड दैट इज कंट्रोलिंग, राइट। तो आप उस सबकॉन्शियस माइंड को जब इतने लोग बोल रहे हैं कि वो पावरफुल है तो उससे थोड़ा काम तो कर रहा ले हम, जो सबसे पावरफुल है उसके थ्रू हम अपना डेस्टिनी तो बना लें, पैसे तो बना लें। Yeah, for example, this works in a very miraculous way for everything. Kapde bhi change kiye hain, switch word. You can use that. Let me mute everybody. I'm doing it muting. You may please continue. Okay. जैसे आपको ऑटो के लिए वेट कर रहे हो और ऑटो नहीं मिल रहा है, so you can chant reach to get a vehicle instantly. पैसे है, पैसे फटाफट चाहिए आपको, you can chant very you know count एक switch word and then कैसे intention बना के chant करना है, क्या उसमें और ऐसी चीज है जो आप डाल सकते हो ताकि आपका manifestation और ज्यादा improve हो जाए, वो हम पूरे इस session दौरान सीखेंगे। Now let me show you few PPTs which I have made specially for this.
So switch word is one word affirmation. In short, if I say it's a one word affirmation. जैसे मैंने बोला आपको पैसे चाहिए, यू कैन ओनली चैंट काउंट 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 मीन्स वॉट. आपके माइंड में क्या आता है काउंट का मतलब? गिनना, डिस्काउंट है ना, अकाउंट, एनीथिंग दैट इज कोरिलेटेड विद काउंट वर्ड इज गिनना. सो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करने लग जाएगा. क्या गिनते हो आप सबसे ज्यादा? पैसे. So it attracts as per your mind power, right? And this switch word ka jo ability hai, wo chote se daire mein mat rakhna, because it has got all the healing powers in it. May it be manifesting your business, your relationship, your career, your health, ya aapke protection ke liye, ya kisi bhi cheez ke liye, for any issue in your life. Switch word can resolve it. Mental frequency changes through switch word. For example, मेरे पास एक केस आया था अभी recently, पिछले हफ्ते की बात है. वो केस ऐसा था कि you know वो husband and wife ना कभी बिछड़े नहीं है. They were always being together. But then suddenly that husband realized कि मुझे trekking जाना है. He wants to explore. So वो ट्रेकिंग जब से जाना है बात शुरू हुआ है तब से वो वाइफ को क्या हो गया? एंग्जाइटी. She couldn't control it. So she was my client. तो वो आई मेरे पास कि मैं you know मैं अपना जो डर है, कभी कभार होता है ना हम अपना डर जो है किसी को समझा नहीं पाते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है. I mean what kind of fear is it? क्योंकि कभी कभार बचपना लगता है कि भाई हम इतने ग्रो हो गए फिर भी हस्बैंड के बगैर एक वाइफ नहीं रह पाती है, तो दैट्स लाइक ह्यूमिलिएशन. सो शी केम टू मी कि मेरे को ये वाला जो फेस है प्लीज इसको क्लियर करा दो. सो इसमें आप क्या कर सकते हो करके मैंने एक स्विच फ्रेज बना के उनकी एनर्जी सर्कल बना के अपने पास रख लिया और उनको भी दे दिया सो दैट शी कैन चैंट. तो जब उन्होंने चैंट किया चैंट किया चैंट किया, जब हस्बैंड जाके वापस आने तक शी वॉज टोटली फाइन. वो पूरा जो दौरान था, जो लोनलीनेस था या जो एंजाइटी थी, जो फियर था, ऐसे गायब हो गया. इट डिस्पेल्स योर नेगेटिव एनर्जीज इमीडिएटली. सो द वे इट एक्टिवेट्स इज you need to either chant, yeah, there are many other ways to use it. So anything that switches your mind is known as switch word. Any person, for example, मुझे कोई, आप लोगों में भी होगा कि वो एक friend होगा या वो एक बंदा होगा जिसको जिसकी आवाज सुनने से you will feel that relaxed, calm and quiet. So that person is your switch person. कभी कभार होता है ना कि they are like वो एक की आवाज अगर मैं सुन लू. फॉर एग्जाम्पल सबको अपनी मदर बहुत पसंद है ना, अगर माँ की आवाज एक बार सुन ले तो शांति पड़ जाती है. So mother is a switch word for everybody. या कोई movie का नाम या कोई song. किसी किसी को देवानंद का सॉन्ग पसंद है. सो दैट वन थिंग विल क्लिक इन योर माइंड एंड इट विल चेंज योर एंटायर मूड. दैट बिकम्स योर स्विच सॉन्ग या स्विच पर्सन. एंड एक मास्टर स्विच वर्ड दिया था हमें जेम्स ने, विच इज टुगेदर. ओके, नाउ टुगेदर इज अ वेरी बिग वर्ड. आप कब कब चैंट कर सकते हो? किसी भी सिनेरियो में आप चैंट कर सकते हो. व्हेनेवर यू फील देयर इज नो कनेक्टिविटी या यू नीड दैट मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ, कोई भी मिरेकल आपको क्रिएट करना हो, जस्ट चैंट टुगेदर. अभी मैंने इंट्यूटिव हीलिंग में ये सिखाया था क्योंकि वहां पे मैंने स्कैनिंग सिखाया था. तो आई थिंक नम्रता जी इज देयर, राइट? नम्रता जी और बाकी लोगों ने टुगेदर चैंट किया. और
before chanting together and after chanting together increased triple time आपकी एनर्जी बढ़ गई. बिकॉज मैंने उनको एनर्जी स्कैन करना सिखाया था उस सेशन में. सो एवरीबडी वॉज अमेज कि स्विच वर्ड ऐसे काम कर सकता है क्या. बिकॉज देयर एक मापदंड मिलता है तो वी ऑल सेटिस्फाइड ना कि अच्छा हमारा कुछ काम कर रहा है. सो टूगेदर इज अ मास्टर स्विच वर्ड विच एवरीबडी कैन चैट. एंड स्विच वर्ड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कोई कैप्सूल या ऐसा कुछ है नहीं जिसको यू नो हम खाएंगे और हमारा ये मसल वीक हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा. नो, देयर इज नो हार्म इन चैंटिंग एनी स्विच वर्ड. आप किसी भी स्विच वर्ड को लेके यू कैन चैंट एंड यू कैन डू एक्सपेरिमेंट. टुगेदर डिवाइन टू क्रिएट. अगर और मिराकल चाहिए तो डिवाइन का भी आप एड कर सकते हो. डिवाइन इज सुप्रीम गॉड, राइट. So together divine is to create more and more and more miracles in your life. It immediately disintegrate your stress, align yourself with whatever you want. आपको जो चाहिए उसके साथ वो align करके आपको हाथ में दे देगा. ले भाई ले ले, this is your gift. So that is how powerful is together divine. And what is energy circle? Energy circle is there are many kinds of energy circle जो हम पूरे इसके दौरान करेंगे. सेशन के दौरान we will be covering different colors. उसका क्या मायना है. energy circle ऐसे होता है general energy circle जो हम सबको किसी को भी दे सकते हैं. it's a circle. what does it mean? that means together का जो energy है वो वहां पे सीमित है और वहां से वो रेडिएट होता है. आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हो इसमें. किसी भी पेपर में ब्लू कलर पेन इज द सेफेस्ट कलर. ब्लू कलर पेन में आप लिख सकते हो टुगेदर. एंड जैसे ममता जी को बनाना है तो शी कैन राइट ममता. हीरा जी को बनाना है तो ही कैन राइट हीरा द फुल नेम. एंड देन यू कैन चैंट टुगेदर विद द इंटेंशन. जैसे कल फॉर एग्जाम्पल कल इनको कोई काम है तो वो काम के बारे में सोच के यू कैन चैंट एंड देन यू कैन स्टिक दिस पेपर ऑन योर वॉल. दिस इज वन मेथड विच आई एम टेलिंग. देर आर मेनी अदर मेथड्स विच वी विल बी कवरिंग इन द एंटायर क्लास. अगेन टुगेदर डिवाइन. नाउ इफ यू ऑल सी देर इज अ हाइफन हियर. इसके बीच में एक कनेक्टिविटी लाइन है. वो कनेक्टिविटी लाइन स्विचवर्ड का एक ही खासियत है. अगर आप गूगल से भी निकालते हो ना तो भी वो तभी काम करेगा जिस हिसाब से वो लिखा हो. वो आपके ऑरा के साथ रेजोनेट करता हो तभी करेगा. वरना गूगल में तो बहुत भंडार भरा हुआ है, पिंटरेस्ट में भंडार भरा हुआ है. बट उस चीज को समझ के करने के लिए जो एक स्विच चाहिए वो हम लोग हैं. वरना वहां पे तो सब कुछ ही है. आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो हम प्रिपेयर करना बताएंगे, सिखाएंगे. बिकॉज स्विचवर्ड में क्या है, स्विचवर्ड डिक्शनरी है, स्विचवर्ड स्विच पेयर्स है और बहुत सारे और हैं लाइक न्यूमर दैट डिवाइन कोड्स, हीलिंग नंबर्स एंड देर आर सेक्रेट कोड्स. देर आर हाउ टू मेक डिफरेंट एनर्जी सर्कल्स. देर आर प्रॉस्पेरिटी हीलिंग कोड्स और भी बहुत कुछ है विच वी विल बी कवरिंग इन दिस एंटायर. बिकॉज दिवाली भी आ रहा है, दिवाली के लिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए. आई हैव इंक्लूडेड प्रॉस्पेरिटी सेशन इन दिस विच इज वेरी पावरफुल एंड आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू बिकम मोर प्रॉस्परस, राइट. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्विच वर्ड. आप सब सुन रहे हो जो 40 के 40 हैं, पर इसमें आना क्यों है आपने? इसमें ऐसा क्या कैच है जो आप मिस करोगे अगर आप इस सेशन में नहीं आओगे? इट इज वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कोई हाथ नहीं लाना पड़ता, कुछ औजार नहीं चाहिए आपके हाथ में, कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट हैव टू बी अलाइन एंड चैंट. मतलब ज्यादा से ज्यादा यही है कि आप मनी मन में चैंट करो और आपका काम हो जाएगा. मेरे पास एक और पेशेंट थी, एपिलेप्सी की पेशेंट, हैंडीकैप्ड है. एपिलेप्सी मीन्स वही दैट
मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है उसको, एंड कोरोना के टाइम में ऐसा था कि शी इज वेरी हेफ्टी, बहुत मोटी थी, तो वो कहीं जा भी नहीं पाती थी डॉक्टर वगैरह के लिए. उनको काबू में करने के लिए जब जब ये अटैक आता है, इट्स लाइक पूरे घर वाले लग जाते थे, क्योंकि वो बहुत मोटी थी और जब वो आता था अटैक, किसी के बस में नहीं होता था कि उनको संभाले. सो अलोंग विद दैट, जब भी वो, स्पेशली ये सब कब आता है, जब वैक्सिंग मून या अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम में ये अटैक ज्यादा आता था. सो ये जो स्विचवर्ड है ना, ये पूरे कोरोना में उनको बचाया. इट्स सो सिंपल एंड सो बेनिफिशियल दैट आई कांट टेल यू. पूरे कोरोना में उनको प्रॉब्लम ही नहीं हुआ कि डॉक्टर तक भाग के जाना. 2 साल आराम से निकाले उन्होंने. सो इट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर ओन माइंड, योर ओन पावरफुल माइंड, बिकॉज वी आर पावरफुल. बाहर से कहीं कोई पावरफुल हमें कोई टैबलेट नहीं देगा, वी आर पावरफुल, राइट? सो अपने पावर को हम जगा रहे हैं थ्रू स्विचबोर्ड, एंड दिस कैन बी यूज इन एन नंबर ऑफ सिचुएशंस. हाउ स्विचबोर्ड अफेक्ट आवर लाइफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई उदास सा है, कोई उनको यू कैन गिव गोल्डन सनराइज. गोल्डन सनराइज इटसेल्फ इज व्हाट कमिंग अप, राइट? इट्स लाइक सवेरा होना. उसमें अगर आप गोल्डन भी ऐड कर दोगे तो गोल्डन एनर्जी इज भगवान का एनर्जी. भगवान का अगर आपने देखा हो तो बंगला साहिब या तिरुपति बालाजी या मेजरली टेम्पल ऊपर का क्या होता है, गोल्ड होता है. वाई? Because it has got regenerative power, it has got divine power in it. So golden sunrise jab mila gaya, so it immediately disintegrates all kinds of sadness ya jis bhi jo bhi loneliness hai usko mita ke wo immediately aapke mood ko uplift karta hai. And rainbow kya hai? Rainbow will infuse all kinds of happy emotions in you, all kinds of positive emotions, because usme waise hi 7 color hote hain. How to find, is pure session mein hum aapko kya sikhayenge? It's like for example, main aapko switchword dictionary de dun to aapko apne liye banana aayega? It's very difficult to make a switch phrase. So usko kaise banana hai, for each situation, that we will be teaching you. Kyunki for example, jaise abhi kuch log idhar pick le rahe hain, ye pick lene ke baad kya karoge aap? What you will have, I mean, what is the thing about it? Ye pick jo le rahe hain ya ye jo kar lenge, jab tak wo jo steady hai wo aapke andar imbibe nahi hota, tab tak kuch nahi kar paoge. Isse zyada to Google dega aapko, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है, राइट? सो आई विल मेक यू मास्टर इन स्विचबोर्ड. क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट में एनरोल होते हो तो उसको पूरा पीएचडी करना हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज हम सबके पास कॉन्शियस माइंड है, सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है, वी आर ऑल आर पावरफुल. तो उस सिचुएशन में कैसा स्विचवर्ड बनाना है, वो कला हम ये पूरे सेशन में आपको बताएंगे. दैट इज माई जॉब टू ट्रेन यू हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज स्विचवर्ड. यू कैन चैंट इट, यू कैन मेक अ नोटबुक, यू कैन राइट इट, यू कैन डू प्रॉक्सी चैंटिंग ऑल्सो, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को ये डिवाइन मोडालिटी समझ में नहीं आती, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो उनके जगह पे वी कैन ऑल्सो डू प्रॉक्सी चैंटिंग. वो कैसे करना है? That is inside the syllabus. And energy circles draw karna hai. Ek aur switchword de rahi hu, reach. Reach is koi bhi cheez jab gum ho jati hai, usko pahunchna is reach. Uska bhi bahut sare examples hai mere paas. In fact, mere life mein bahut sare examples hai. But ek short and crisp example de rahi hu. Meri billi gum ho gayi thi, pata nahi kahan chalegi. And I chanted reach along with the switch phrase.
वो कैसे करना है वो आप जब स्विच वर्ड का कोर्स करोगे देन यू विल बी नोइंग हाउ टू मेक अ स्विच फ्रेज विदाउट टेकिंग आउट योर फोन विदाउट गूगलिंग आउट विदाउट टेकिंग एनी नोट्स वो आना चाहिए राइट तो इमीडिएटली यू विल नॉट बिलीव विद इन 15 to 20 minutes मेरी बेटी को पता लग गया कि वो किसी शाफ्ट में जाके छुपा हुआ है और वहां से हम लेके आए उसको वरना वो मिलता नहीं वो मिलता ही नहीं तो सो मिरेकल्स तो स्विचवर्ड के बहुत ज्यादा है एंड यू कैन इवन स्टिक इट ऑन अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लिख के जैसे मैंने अभी टुगेदर डिवाइन किया है उसको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टिक कर सकते हो एंड फ्यू मोर मास्टर स्विच वर्ड्स दीज आर ऑल लाइक बहुत ही छोटे से आई कैन से 1% भी नहीं दिया अभी मैंने जो ये पीपीटी में कवर हुआ है विच इज टूगेदर डिवाइन टू अट्रैक्ट मैजिक इन योर लाइफ काउंट काउंट इज अबेंडेंस बट पर्ज कैंसल इज वन मोर स्विच वर्ड जब आपको नींद नहीं आती रात को तब यू कैन गिव इट टू मेनी पीपल पर्ज कैंसल क्योंकि वो रात को जब एक बारी कुछ यादें हमारे दिमाग में आती है तो वो स्टक हो जाती है राइट तो वो कॉन्स्टेंट जो चैटर करता है उसको बंद करता है ब्रूसली इज अ स्विच वर्ड विच मोटिवेट्स यू इंस्टेंटली रिलीज रिलीज इज रिलीजिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स टू स्पीड अप इन लाइफ फटाफट करने के लिए रिलीज Find. Find is like reach. Reach and find is majorly same. कोई भी चीज गुम हो जाती है किसी भी चीज को कनेक्ट करना है तो find and reach. And change when the mind does not accept what is happening. आपका acceptance ही आप जब खत्म हो जाती है तब आप बोल सकते हो change. जैसे इस जॉब में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहा हूँ यू वॉन्ट समथिंग टू चेंज इन योर लाइफ सो थिंक ऑफ दैट सिचुएशन इन योर हेड एंड चैंट चेंज इट विल हैपन हाफ वे डन इज ब्यूटिफुल वर्ड जो बहुत सारी जगहों में काम आती है बट इंस्टेंटली करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है लाइक यहाँ से आपको फ्लाइट जर्नी बहुत दूर जाना है या बस जर्नी आपको वो इतना बड़ा थकना नहीं है वो जब ट्रैवल कर रहे हो तो हाफ वे डन इज अ स्विच वर्ड जो आपका जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको आपको बिना थकान के कम कर देता है यू कैन आप उसको बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हो आइस ब्लू इज बेसिकली फॉर पेन रिलीवर इट्स लाइक अ कॉम्बी फ्लैम पेन रिलीवर जैसा है वो आइस ब्लू किसी चीज को नम करना हो या फीवर हो किसी को तो आइस ब्लू यू कैन चैंट नाउ इट्स अ न्यू थिंग विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सेशन विच इज वैदिक स्विच वर्ड वैदिक स्विच वर्ड हमारे संस्कारी स्विच वर्ड है सनातन धर्म के स्विच वर्ड है जो हम सदियों से यूज करते आए हैं पर अभी ये वैदिक स्विचवर्ड ने क्या किया है उसको एक सिलेबस जैसा बना के दे दिया है आपको कि भाई आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो इस स्विचवर्ड को चैंट कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए राइट सो वो क्या क्या है और व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द सनातन स्विचवर्ड आपने फॉर एग्जाम्पल कोई काली बिल्ली देखी जब आप चल रहे हो तो इमीडिएटली आप क्या करोगे या तो राम 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 करोगे या कुछ और भगवान का नाम ले सकते हो या कभी डर लगता है तो जय बजरंग बली ऑल दैट हनुमान चालीसा पूरा पूरा आ जाता है हमारे दिमाग में सो दोज ऑल स्विच वर्ड्स ओनली जो हमारा माइंड बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है सदियों से वो अनोइंगली वो हमारा स्विच वर्ड बन गया और वो हर एक सेंस ऑर्गन में है हर एक सेंसेशन में है हर एक इमोशन में है कुछ स्विच वर्ड हैं वैदिक के लाइक गण गणपति नमः चैंट करते हैं हम लोग बहुत बारी चैंट करते हैं बट अनोइंगली चैंट करते हैं इसमें हमने क्या किया है
इसमें हमने उसका यूजेस बताया है कि अगर ये गण गणपति है, अगर आप गण बोलते हो तो ये किस किस चीज के लिए आप बोल सकते हो, और इसका एनर्जी सर्कल कैसे बना सकते हो, इसमें क्या कलर डाल सकते हो, या इसमें और क्या नंबर कोड्स या डिवाइन कोड्स डाल के आप अपना पूरा काम अपना ले सकते हो एक गण से, वो है सनातन स्विचवर्ड। जैसे पैसे चाहिए तो महालक्ष्मी तो पता है हमें, पर महालक्ष्मी का वर्ड क्या है? पूरा हम महालक्ष्मी अष्टोत्तरम पढ़ेंगे क्या, या पूरा महालक्ष्मी सहस्रनामम पढ़ोगे बैठ के एक घंटे का? आपकी मर्जी, आप पढ़ भी सकते हो, बट हम क्या करते हैं, श्री, वो एक ही में पूरे महालक्ष्मी समा जाती है। अब वो श्रीम को भी हमने कैसा, और बिकॉज वी और हीलर्स, तो उसको हीलिंग मोडालिटी में कैसे दूसरों को भी काम आए, हम दूसरों को बारे में ज्यादा सोचते हैं व्हेन वी बिकम हीलर्स, राइट? सो दूसरों के बारे में कैसे काम आ सकता है, क्योंकि आजकल पैसे का प्रॉब्लम हर किसी को है, अगर पैसा है तो भी और चाहिए, राइट? सो मनी गेन या ब्लॉक्ड मनी, डेट्स, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यू या लाइवली इश्यू, श्रीम यू कैन चैंट। इसको हम बाकी मेजर स्विचवर्ड के साथ मिला के कैसे बोल सकते हो आप, वो हम सिलेबस पूरा सिखाएंगे। गॉडेस काली का क्या मंत्र है? क्रीम। अब क्रीम तो पता है, पर उसका यूजेस क्या है? ईविल आई को निकालना, ब्लैक मैजिक को निकालना, या यू नो कोई किसी तरीके का हमारे अंदर अनकंफर्टेबल होता है कभी कभार, हमें पता है कि वो हमारी एनर्जी नहीं है बट किसी के यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो उसको कैसे निकालोगे? यू कैन चैंट क्रीम। लॉर्ड शिवा का भी एक स्विच वर्ड है सनातन धर्म में, हरोम। अब जब लॉर्ड शिवा बोल दिया तो फिर वो तो बहुत कुछ आ जाता है ना, क्योंकि शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड के तो वही रक्षक है फिर तो इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल कट आउट योर कर्मा, ऑल द नेगेटिव कर्मा, मोक्ष प्राप्त करोगे, और इट विल पुश यू टुवर्ड्स, या वो आपका लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा, जो आप चाहोगे वो होगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना? इसीलिए तो हम स्विचवर्ड चैंट कर रहे हैं। एंड जो इसमें हम कवर कर रहे हैं उसमें से मैंने सिर्फ ये 5-6 लिया है, क्योंकि दिवाली के टाइम में ही आएगा, तो वी विल बी मोर फोकसिंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, मनी। मनी का पूरा मैंने पैकेज बनाया है इसका, प्रॉस्पेरिटी हीलिंग कोड्स के हिसाब से। सो फाइंड प्लेथोरा क्लाउड्स, विंड फॉल, बोनस विद स्पीड, ये जो है दिस इज अ स्विच फ्रेज। ये कैसे यूज कर सकते हो? तो जब आपको अननोइंगली आपको अबेंडेंस चाहिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड अबेंडेंस चाहिए, सडनली आपने देखा तो मोबाइल में कल इतने ट्रांसफर हो गए, मजा आ जाता है ना फिर तो, है ना? उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं कि सुबह सुबह टंग 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 करके आपका पूरा बैंक अकाउंट बढ़ता रहे। सो दैट इज वॉट वी आर क्रिएटिंग इन स्विच वर्ड, एंड मनी फ्लोस टू अस इजिली by these codes। ये codes को कैसे chant करना है उसकी भी विधि है, हम वो class में सिखाएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगी, right? Unsacred codes का पूरा list है, वो भी हम class में देंगे, ये मैं एक ही दे रही हूँ आपको, okay? And draw money like a magnet, जैसे magnet है वैसे आकर्षण बनिए। Accelerate the advent of wealth to your life. Angel of abundance. Urgently money chahiye, so you can chant 897. Ye ek code ka maine bataya. So this is only a very few limited switch words which I have given you. आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा कि थैंक यू सो मच संगीता जी, आई एम हैप्पी विद योर पीपीटी, नाउ आई हैव गॉट एवरीथिंग, ऐसे करके, बिकॉज देन यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। वी ऑल आर इनफाइनाइट सोल, अपना जो ऑरा है उसको बढ़ाइए और सीखने की क्षमता कीजिए।
अच्छा ये मेरे पिछले स्टूडेंट्स का कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने यूज किया था. ये है कि किचन के डब्बों में इंसेक्ट्स ना लगे, उनकी जो यू नो फूड की प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन करने के लिए ये स्टिकर्स थे. ये स्टिकर्स उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के अपने किचन में लगाया है. ऐसे आप लोग चार्ज कर सकते हो अपना पानी या जो भी. और ये एक लेडी ने ये पेंट करके दिखाया हमें, अम्ब्रेला नाउ, दिस इज अ स्विच वर्ड. ऐसे आप पानी पूरे घर का यू कैन चार्ज इट, या जैसे बॉटल में लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो. एंड कुछ मेरे पिछले स्विच वर्ड्स के क्लासेस के यहाँ पे मैंने टेस्टिमोनियल्स भी हैं और कुछ होमवर्क्स भी हैं जो इन लोगों ने सबमिट किए. ऐसे सिखाएंगे हम ताकि आप अपना खुद का स्विच वर्ड बना सकते हो. दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई हैव शोन यू. लाइक ये इन्होंने वो क्या है, ये गुंजन है ना, हाँ, इनको पास करना था अपना एग्जाम, इन्होंने खुद ने बनाया और फिर उन्होंने ग्रुप में डाला और फिर शी पास्ड आउट द एग्जाम. ये आप ही के मतलब यही के पार्टिसिपेंट्स का मैं दे रही हूँ आपको ये सारे टेस्टिमोनियल्स. एंड ऐसे हम लोग स्विच फ्रेज बनाना भी सीखेंगे ये पूरे जर्नी में. दीज आर मोर स्विच फ्रेजेस एंड मोर यू नो टेस्टिमोनियल्स. सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट. I am putting the course curriculum also. I request you to please go to the course curriculum. I am putting on screen. You please stop the sharing. I stop. Okay. I request you to please go through the course curriculum. Is that visible? Hanji sir. अच्छा इसमें एक और एडिशन है प्रॉस्पेरिटी हीलिंग कोड्स जो अभी दिवाली आ रहा है तो आई हैव एडेड इट. इनफैक्ट ऐड ही होगा, कुछ रिड्यूस नहीं होगा इसमें से. दीज आर द बेसिकली ब्रॉड पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर एंड इट इज मेनी मोर देन द पॉइंट्स पॉइंटर्स रिटन हियर. तो ये तो बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट पे लिखे हैं, क्योंकि डिटेलिंग में अगर लिखेंगे तो कई सारी स्लाइड बन जाती है. सो आई रिक्वेस्ट सुनीता जी टू प्लीज गो टू द ब्रॉड. हां मैं पढ़ देती हूं. नो द मीनिंग ऑफ स्पीच वैदिक वर्ड्स. वैदिक वर्ड्स में कनेक्शन, इंस्टॉलेशन सब होता है, वो सब मैं सिखाऊंगी. एंड दिस कैन बी यूज्ड टू रिलीव योर पेन, स्लीपिंग इश्यू एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, टू अट्रैक्ट मनी, टू रिमूव ब्लैक मैजिक, टू कट द कर्मा. Know the Vedic switch word. I mean, कौन से भगवान के लिए क्या यूज है वो हम बताएंगे इसमें. And to attract prosperity, success, victory, to win over enemies. इसमें Vedic switch word में चक्रास के include हैं, planet के included हैं. And बाकी भगवान के सारे जो नाम हैं वो भी included हैं. Switch words to ease and release of soul. वो भी है इसमें. To achieve justice, pregnancy के लिए, love, romance and happiness. और इसमें हम और deep में जाएंगे कि what is universal switch word, open switch word, switch pairs, proxy chanting, diffusing words, divine healing numbers, angel numbers, sacred codes, quantum के harmonic codes, radionic ray codes, bach flower remedies, and energy circle and how to use different types of circle, use of colors, VBMN stickers. ये VBMN को थोड़ा बता देंगे क्या है, वही जो फूड में स्टिक किया था अभी, जो मैंने पूरे पर्ल किचन में दिखाया था ना आपको, किचन के जार में जो स्टिक किया था टू प्रोटेक्ट द फूड, उसकी न्यूट्रिशन बाहर ना जाए, वो वाला स्टिकर है. So these are the curriculum of the course. And जब हम करी रहे तो एक slide और एक बार run through कर लेते हैं. And this is the slide for the
joining. This is 2 month course. Start from Monday and Wednesday of the week, 7:30 PM. 19 September से issue हो रहा है course. That is next Monday से we will start it. And as you all know that our existing participants always been benefited. Confessor is a 1 month fee. If you pay together, that is 2685. And for new participant, 2107. If you pay together, it is 3158. That is 25% discount on that. Because you to please use this numbers only for sharing your screenshots. These are the numbers. And ये payment details हैं. And those who are looking to do the basic switchboard course prior to this, they can do it. Basic switchboard के 8 classes थी हमने करी थी पहले. वो ले सकते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. उसके लिए एकेडमी से क्रेडिट कर लीजिए इन्हीं दो नंबर पे. एंड फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट 1500 एंड फॉर न्यू पार्टिसिपेंट 2107. दे कैन यूज इट. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर इन टर्म्स ऑफ एडवांस स्विचवर्ड एंड द वैदिक छुमंतर स्विचवर्ड. सो दिस आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट. एंड संगीता जी ने जो भी जितने भी स्विचवर्ड्स बताए, किसी का कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो प्लीज यस सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. बिल्कुल राजीव जी, जिन लोगों ने बेसिक किया एडवांस भी करेंगे, वैदिक वाला मंत्र भी करेंगे, जिनका ये स्विचवर्ड होगा, दे विल बी अवार्डेड एज डिप्लोमा इन दी एडवांस स्विचवर्ड एंड वैदिक छुमंतर स्विचवर्ड. दोज हु आर डूइंग ओनली एडवांस एंड छुमंतर, दे विल बी अवार्डेड एज सर्टिफिकेशन इन दी एडवांस एंड छुमंतर. दोज हु आर डूइंग बेसिक प्लस दिस, दे विल बी अवार्डेड एज डिप्लोमा इन स्विचवर्ड. Right. So yes, it will be provided to you. Right. So videos recording all are well up there. Videos recording is always available with you. That will be there. And yes, your questions are welcome. You can ask your questions with the subject covered by the Sagittarius. So thank you. Yes. Please raise your hand to ask your questions. Sir, कोई question नहीं है sir. नहीं है, प्रवीण जी का है. अच्छा है, ओके. हाँ जी प्रवीण जी बताइए. हाँ नमस्कार मैम. नमस्ते. ये जो बेसिक कोर्स है स्विच वर्ड का, इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेसिक सर, ये एडवांस है. एडवांस का आपने आपको दिखाया, जो बेसिक कोर्स हैगा उसका डिटेलिंग प्रवीण जी आप ब्रीफ दे दीजिएगा. प्रवीण जी डिटेलिंग जो ना, आप मॉर्निंग में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. बट प्रवीण जी सिंह जी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव बेसिक उसमें तो फिर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हाउ यू कैन यूज द स्विचवर्ड डिक्शनरी, उसका पूरा डिक्शनरी दूंगी मैं. फिर आप स्विच फ्रेज कैसे बना सकते हो, एंड उसमें ज्यादा कलर डिटेलिंग नहीं होता है, सिर्फ सिंपल कलर्स होता है, क्योंकि एडवांस में मैं डबल कलरिंग भी सिखाऊंगी. सो इसमें सिर्फ सिंगल कलर होगा आपका. उसमें नोट्स में डिक्शनरी मिलेगी स्विचवर्ड की. बेसिक में हमने डिक्शनरी प्रोवाइड की थी स्विचवर्ड. इसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा. प्रॉस्पेरिटी विल बी इन द सेकंड वन. जी जी. अभी जो कवर कर रहे हैं वो एडवांस्ड वाला है प्राइमरी. ये एडवांस है. हाँ एडवांस. सूर्य प्रकाश जी आपने बेसिक किया हुआ, ये एडवांस है. ओके थैंक यू. चलेगा राइट. एंड मंडे एंड वेडनेसडे ऑफ द वीक, 2 months जर्नी. जी नलिनी जी आपका क्वेश्चन पूछे. Request you to please put your video on if you can. Thank you. मुझे पूछना है कि अगर मैं directly advance में जाती हूँ, basic नहीं हुआ है मेरा, तो क्या difference होगा फिर? मतलब क्या मैं understand कर पाऊंगी या मुझे basic ही पहले करना है? आप मतलब अभी 19 तारीख से join करोगे तो आप ये पूछ रहे हो कि आप understand कर सकते हो या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हो. हम शुरुआत वहीं से करेंगे क्योंकि काफी न्यू पार्टिसिपेंट्स है. बात बता देती हूँ कि पिछला जो स्विचवर्ड हुआ है वो और ये कनेक्टेड इतना नहीं है. हाँ एक क्लास चलेगा आपका इंट्रोडक्शन. ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देना है ना. सो इंट्रोडक्टरी क्लास विल बी सेम, उसमें मैं सब बता दूंगी. उसके बाद वी विल गो ऑन विद मेनी मोर थिंग्स टू डू.
ये हीलिंग मॉडलिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं खुद के लिए दूसरों के लिए। 12 साल से हीलिंग मैं ऐसे कोई कोर्स नहीं करती जो हीलिंग मॉडलिटी से जुड़ा हुआ। आपका इंटीट्यू कोर्स मैंने किया है मैम अभी। आई नो डाली जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर जिन्होंने बेसिक पहले किया होता है, इट्स अ फाउंडेशन बेसिकली, जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आप बिल्डिंग बिल्ड करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग पकड़ आएगी, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू बी प्रैक्टिस इन टू द डेली लाइफ राइट। एंड उसके लिए जितनी अच्छी हमारी फाउंडेशन होती है, जितना अच्छा हमने ज्ञान किया होता है पहले, उतना ईजी होता है। अगर हमने बेसिक्स किया हुआ है तो हमारा फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बिल्ड है, उसके ऊपर आप मंजिल दर मंजिल बना सकते हैं। अगर नहीं किया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल करना पड़ेगा, तो उसके लिए बी रेडी एंड बी प्रिपेयर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम जी। संगीता जी, गीता जी कैन अनम्यूट योरसेल्फ। संगीता जी हां जी, वेलकम जी, थैंक यू। तो किसी और का कोई प्रश्न किसी प्रकार का, या तो क्या बात है इनका प्रश्न ही कोई नहीं है, या तो सब देविंदर जी कैसे हो आप? माय ऑन हीलर है हमारे देविंदर जी। हां सर, मैडम मुझे बुला रहे हैं। हां जी, आप ही को बुला रहे हैं। जी आप ही को बुला रहे हैं, थीटा स्पेशलिस्ट। थैंक यू मैडम स्पेशलिस्ट। तो मैं तो हैरान हो गया मैडम, आप मुझको जानते हैं, मैंने तो कभी क्लास अटेंड नहीं किया। हमारी नजर सब पे रहती है, राजीव जी से। तो उसमें से मैं आपको ये बता दूं कि 4-5 ऐसे केसेस ड्यूरिंग कोर्स में ही हुए हैं। एक तो एक किडनी का केस था पहला ही, उसकी 3 डायलिसिस होते थे एक हफ्ते में, और इसका यूरिनेशन बंद हो गई थी 5 महीने में, और तीसरे दिन से ही थीटा हीलिंग करने से उसकी यूरिनेशन शुरू हो गई। अब तो वो 15 दिन के बाद मैडम वो खुद अपनी डायलिसिस करवाने जाते हैं, पहले 2 लोग पकड़ के उसको जाते थे। तो उसकी अब तो क्रिएट मिरेकल्स एंड मैजिक, और क्या काम है हमारा? तो मैडम वो एक्चुअली अभी उसकी जो डायलिसिस है वो 3 से घट के 2 आ गई है 2 महीने के। अभी भी उनकी हीलिंग कर रहा हूँ मैं, वो नहीं छोड़ रहे, कहते मैं तो भाई इसको खत्म करना है। तो उसके डॉक्टर हैरान है। आप स्विचवर्ड भी कर सकते हो, दैट्स व्हाट इट विल बूस्ट द एनर्जी, हीलिंग जो फेस है उसको बूस्ट करेगा। दैट्स मैडम, मैंने स्विचवर्ड का कोर्स तो वैसे किया है पहले, और स्विचवर्ड के मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल हैं कि आप हैरान हो जाओगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी क्लास में है लोग, मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उसको वो मैरिड है, उसके बच्चा है, तो उसकी एक इतनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो अकेली मेरे पास आई, कहती कि मैंने क्यों, मेरे पास एक अनमैरिड लड़का है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है 2 साल से, मैं सब कुछ करके हट गई, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसको मेरा कोई प्रॉब्लम बताइए। तो मैडम मैंने उसको एक स्विचवर्ड दिया था, तो 15 दिन के बाद आ गई और उसने बोला कि वो लड़का मुझको बोल रहा है कि मैं आगे से आपको नहीं छेड़ूंगा, पर आप मेरे को बात कर लिया तो 15 दिन में रिजल्ट आया मैडम स्विचवर्ड का। अगर आना होता है तो 3 दिन 1-2 दिन में भी आ जाएगा, स्विचवर्ड ऐसे काम करता है। नहीं वैसे तो उसने बोला कि 1 हफ्ते में हो गया था काम वो, और क्या 15 दिन, तो मैं वही तो नहीं मान रही हूँ ना, क्योंकि वो इतनी जल्दी हो जाता है। एक मेरा फ्रेंड है, उसने अपनी शॉप खोल ली थी मेडिकल स्टोर, और उसके बगल वाला उसको टिकने नहीं दे रहा था, इतना परेशान था वो शॉप नई ढूंढ रहा था कि मैं उसको चेंज कर लूं, लेकिन उसके वहां ग्राहक टूट जाने थे, उसको मैंने स्विचवर्ड दिए। तो वो तो कई लोग ना खुद से एडिशन कर लेते हैं, वो क्या करता है स्विचवर्ड चैंट करके पानी में वो छिड़काव कर रहा था बाहर, वो मैंने भी नहीं बताया, देखो वो एडिशन थी। तो वो मेरे को कुछ नहीं बोलता, अंदर से खुन्नस खाता हो, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। मार्वलस पावर है, फेथ काम करता है बहुत। तो ये तो मैंने मैडम पिछले तकरीबन 4-5 महीनों में स्विचवर्ड जिन लोगों को भी दिए हैं, मार्वलस वर्क का है उनका विद इन ए वीक। और एक मैं और बता दूं, पॉइंट है बहुत बड़ा,
मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनका बेटा जो था वो उसने अपने आप को डिप्रेशन में अपने रूम में बंद कर लिया टोटली। वो ना उनसे बात करता था ना खाना खाता था। तो मैंने उनको स्विचवर्ड दिए, कहते जी हम उसकी मदर को चैंट करने के लिए कि आप उसकी फोटो पे स्विचवर्ड चैंट करना। वो मैडम 15 दिन में वो लड़का उनके साथ बैठ के खाना खाने लगा। बस और क्या चाहिए बताइए। मैं देवेंद्र जी चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि छूमंत का स्विचवर्ड इज मच मच मोर पावरफुल। द रीजन इज दैट छूमंत का स्विचवर्ड वैदिक है और हम वैदिक कल्चर से आते हैं, तो गॉड गॉडेसेस को हम सब लोग पूजनीय, हमारे लिए हम पूजा करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। वैदिक में छूमंत का स्विचवर्ड इज वन ऑफ द पावरफुल स्विचवर्ड्स। और जिन्होंने किया, जो बेसिक्स पे किए काम जैसे आपने किया, और जो एडवांस और चुमंतर पे करें, इट्स जस्ट अ मिरेकल, इट्स मैजिक शो। मैडम मैं एक्चुअली थोड़ा अभी ज्वाइन किया, मेरी क्लास चल रही थी केपी की एक, तो मैं थोड़ा ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इनसे तो अभी की है सर, मैं वासु की वो अष्टक वर्ग तो मैं जानता था, लेकिन सर ने हमें उसकी जो यूजेबिलिटी बताई दैट इज मार्वलस। मैं अभी क्लास के बीच में 3-4 लोगों का, क्योंकि मैं ओरा स्कैनिंग से वास्तु करता हूँ, तकरीबन 4-5 स्टेट में मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ, मुझे अब जहाँ घर जाने की जरूरत नहीं किसी की, ओरा स्कैनर से मैं अपने वास्तु करता हूँ, तो उसमें अष्टक वर्ग से मैंने उसके जो रिजल्ट देखे हैं दैट इज मार्वलस। तो सर से हमने जो हमें विद्या दी है वो मार्वलस है, और उन्होंने वो दिया है जो शायद सिलेबस में भी नहीं था। बिल्कुल, I'm really thankful. वही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबी है, हम लोग जो सिलेबस देते हैं ना वो इत्तू से होता है, जब क्लास लेते हैं तो वो पूरा भंडार दे देते हैं हमें, वो तो इनके पता होता है आपने लिया क्या है, इनके मन में जो फ्लो आ गया जो छोड़ते नहीं है, कि सिलेबस में है या नहीं है, आप बस लेने वाले बनो। नहीं वो सिंपल, वो जो चीज निकलती है ना सर, वो भगवान की तरफ से एक गिफ्ट होता है, वो ये देते हैं और हम ग्रहण करते हैं, तो वो जो काम करता है ना वो सबसे ज्यादा काम करता है, कि उसमें हाँ। कोई सेल्फिशनेस नहीं है। हाँ। मैं ये बोलता हूँ हाँ। सेल्फिशनेस रूल है, बहुत सिंपल रूल है, उसका रूल ये है, अगर इंसान फुल कप होगा तो उसमें नया नया कुछ भी नहीं आएगा। जितनी भी पावर्स है ना सारी कॉस्मिक की है, हमारी कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड की है, वैदिक की है, और ऋषि मुनि द्वारा जनरेटेड पावर है, हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं। जितना हम सर में आगे स्प्रेड करेंगे हम एम्प्टी कप होते जाएंगे, एंड उतना हमारे को कॉस्मोस और देगा। अगर हम फुल कप भर के रखेंगे कॉस्मोस के पास, उसको भी संदेश जाता है कि ये स्प्रेड नहीं कर पा रहा, ये फुल कप है, सो ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर फर्दर नॉलेज। तो अपना सिंपल रूल है, जो कुछ है आपको दे दो, सो दैट वी बिकम एम्प्टी, लेट्स कम मोर, सिंपल रूल है। हमारी सारी सर, मैंने पिछले महीने मैंने एक डी क्लटरिंग का कोर्स किया था। मैं हैरान हूँ कि हम जो घर में कूड़ा कबाड़ होता है वो जब फ्री हो तब बाहर निकालते हैं, लेकिन उसका कोर्स किया मैंने 3 दिन का, तो उसमें उन्होंने हमें सिखाया कि ये इसका एक मुहूर्त है कूड़ा निकालने का भी। अच्छा। तो मैंने किसी का अहमदाबाद स्कूल में वास्तु किया था, मैंने आपको मुहूर्त विज्ञान में जब आपको करवाया था वास्तु में, If you remember, मुहूर्त विज्ञान के वास्तु में मैंने मुहूर्त विज्ञान में कराया था सर, कराया था आपने। तो जब तो किसी का वो खाली खाली डे आता ना, रिक्त स्थान, एम्प्टी एम्प्टी डे, राइट। जब बाहर जब आपका वार वार और नक्षत्र से मिलके आपका एम्प्टी डे आता है, दैट्स अ डे इफ यू यूटिलाइज फॉर एम्प्टी योर एरिया, दैट वर्क्स ब्यूटीफुल। तो वो आपको करवाया हुआ है। हाँ सर, मैंने यूज किया सर उसमें, तो उनका उनको सूर्य प्रकाश जी का हाथ उठा हुआ है। जो आपने अभी ये स्विचवर्ड, मैंने तो वैदिक किए हैं, ये जो बूसे नंबरिंग वाले हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसको डिजाइन करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर में कैनवास में करें या हाथ से करने? हाथ से, सॉफ्टवेयर सब कहाँ पहुंच गया, हम तो हाथ से करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, सॉफ्टवेयर के क्यों डालेंगे। अच्छा अच्छा, है ना, हम हाथ से करेंगे। सूर्यप्रकाश आपने अगर देखा होगा तो हाथ से हमने कलरिंग भी किया पिछले वालों के, उसमें मैंने वो भी दिखाया आपको।
मैंने बेसिक नहीं किया मैडम, मैंने तो, अरे कोई बात नहीं, इसमें सब कवर्ड है, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, जब हम मैं तो क्यों डर रहे हो, सब सिखाएंगे क्यों सूर्य प्रकाश जी, जब जाट्य संगीता है तो सब कुछ संभव है बताओ क्योंकि जो फ्लावर रेमेडी के साथ कुछ किए थे तो उसमें से कुछ जब पता चला लोगों को मैं ये कर रहा हूँ तो कुछ कैसे जाए जिनके मकान बेच दिया लेकिन पैसे पूरे नहीं आए, मकान पे कोई दूसरा कब्जा करा हुआ है, तो उसमें ये अपने स्विच वर्ड्स काम करेंगे जी, स्विच वर्ड तो सभी में काम करेंगे, कोई सिचुएशन ऐसा है ही नहीं कि नहीं काम करेगा। अच्छा जी, मैंने आपको डॉक्टर बोला मत मानिए, थैंक यू, आपने मेरी ओहदा बढ़ा दिया सर, सर आपसे डॉक्टर संगीता डॉक्टर ऑफ स्विच वर्ड, डॉक्टर ऑफ स्विच वर्ड, फ्लावर रेमेडी और मेनी मोर थिंग्स, इसमें भी फ्लावर रेमेडी है, फ्लावर का कोड दूंगी मैं, बाज फ्लावर का, वेरी नाइस, वाच फ्लावर क्या मैडम, वाच फ्लावर क्या है, बहुत सारे पढ़ाई करनी होगी आप लोगों को मैंने वाच मैंने वाच प्रेडिक्शन का कोर्स किया है ना, मैं इसलिए थोड़ा नहीं, वाच प्रेडिक्शन इज डिफरेंट बल्ला जी, वो बहुत डिफरेंट है, ये लंदन फ्लावर डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट स्टडी है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, ये फ्लावर को देखना मैं दूसरी बात समझा, नहीं ऑफ द फ्लावर्स, फूलों से, फूलों की थ्योरी है, उसके रस बहुत काम की थ्योरी है, बहुत काम की थ्योरी है, बहुत काम का है। हाँ, बाग फ्लावर को जिन्होंने यूज किया उनको नशा पता है क्यों सूर्य प्रकाश जी, ये भी एडिशन है सर मैडम, इसमें देंगे आप और क्या, ये तो मैं कोड दे रही हूँ, कोड देंगे इसका, ये बैक स्विच वर्ड और बाग फ्लावर साथ साथ चलते हैं, तो ये मंडे और वेडनेसडे है जी, मंडे मंडे वेडनेसडे है सर, मंडे वेडनेसडे साढ़े सात बजे शाम को, किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिएगा, एंड कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो संगीत जी ने अभी कवर किया उससे रिलेटेड किसी का भी कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, और यू ऑल ऑफ यू आर वेलकम इनटू द कोर्स, आप सब लोग ज्वाइन करें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, इट्स वेरी पावरफुल स्टडी, और छुमंतर और एडवांस लेवल इज टुगेदर इज अ मिश्रण जो आपको एक नई स्किल्स, नई डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, मजा आएगा, दो महीने की जर्नी है, दिवाली वैसे भी आ रही है, दिवाली के टाइम पर तो यूज करिए, फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दशहरा है, फिर दिवाली है, और उसके बाद गुरुपुरब है, इट्स गोइंग टू बी, फिर क्रिसमस है, इट्स ए स्टार्ट ऑफ फेस्टिवल सीजन, इट्स लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग, एंड स्विच वर्ड वर्क्स ब्यूटीफुली इनटू द फेस्टिवल सीजन, यू आर ऑल वेलकम इन द जर्नी ऑफ टू मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे जी। मैडम मुझे तो मंडे और वेडनेसडे को रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, मेरी कुछ और क्लासेस हैं वो 7 बजे चलती हैं, 7 से 9, आप देख सकते हैं देवेंद्र जी, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, आपको पता है रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी, कोई इशू नहीं है, एंड जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कोई क्लास किसी में ज्वाइन करके आपके क्वेरीज को आप ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आई एम अवेलेबल ऑन फोन आल्सो। आकाशिक तो कितने सर, कितने लोगों ने ऐसे किया जो यूएस में, उनका तो टाइम लिमिट ही ऐसा है, फिर फोन में पूछते थे न्यूयॉर्क वाले सर। राइट, सो इफ नो क्वेश्चंस देन what to do, it's too early to be closed, there is no questions, ये तो आपने स्विच वर्ड आके बैठे थे क्या, कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे सर, किसी की क्वेश्चन का स्विच वर्ड होगा, नो क्वेश्चंस, एक स्विच वर्ड तो दे जाओ मैडम आप, एक स्विच वर्ड दे जाओ आप, कोई एक स्विच वर्ड तो दे जाओ आप, जाते जाते कितने सारे दिए हैं, अरे मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ ना, इसलिए आपने मेरे को तो मजबूर कर दिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, आप तो कर ही रहे हो यूज, नया सीखने के लिए आप एनरोल होइए क्यों सर, नहीं नहीं नहीं, कोई नया दीजिए ना, मैं तब तक उसको प्रैक्टिस करूं, गिव हिम सम, अच्छा आप अपनी तरफ से को दीजिए, आई वांट टू गिव माय हाउस ऑन रेंट, वो पिछले एक महीने से मेरे को कोई अच्छा रेंटर नहीं मिल रहा है, स्विच वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन शायद इसीलिए कोई अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए आपके तरफ से मुझे दीजिए, सो यूज टुगेदर जीनियस Divine, genius add कर दीजिएगा and magnanimity. दोबारा बोलना मैंने. Genius. मैं note कर लूँ जरा. हाँ हाँ. Reach, आपको rent पे देना है ना?
हाँ जी हाँ जी जीनियस रीच रीच जीनियस जीनियस रीच जीनियस जीनियस GENIUS हाँ जी डिवाइन टुगेदर डिवाइन भी लगा लीजिए टुगेदर पहले लगा देना टुगेदर रीच जीनियस टुगेदर से स्टार्ट करना है मैडम हाँ जी हाँ जी मैं अभी बोल के सुनाऊंगा टुगेदर जीनियस रीच जीनियस डिवाइन हाँ जी बस एक दो तीन चार पांच वर्ड शब्द हो गए सब में बीच में हाइफन लगा लेना और एनर्जी सर्कल बना के दविंदर भल्ला लिख देना ब्लू कलर ठीक है मैडम ग्रेट थैंक यू मैडम किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज आई थिंक मुझे लग रहा संगीता जी ने स्विच वर्ड लगा रखा था कि कोई प्रश्न नहीं आएगा करके इसको कितना चैंट करें जब तक काम ना हो जाए हाँ कितनी बार चैंट करें वही दिन में तीन बार कर लीजिए 21 बार ठीक है मैम थैंक यू एंड सो आई थिंक नाउ वी शुड क्लोज इट जब कोई किसी का प्रश्न नहीं है एंड यू आर ऑल वेलकम संगीता जी आपका कोई मैसेज लास्ट में सबके वीडियोस ऑफ है तो पता ही चला इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है यू नीड टू सी दैट So come everybody to experience this new and colorful journey. Colorful hona hai. Because hum log crayon sab bhi karenge na usme coloring. Kya isme naya hoga? Isme kya cheez unique hogi? Isme sare hi naya hai sir. Aise kaise pooch liya aapne? Sare hi naya. Aaj sab kuch hi naya hai. डिवाइन कोड्स हीलिंग कोड्स प्रॉस्पेरिटी हीलिंग कोड्स और इसमें डबल कलर्स है मैंने इंक्लूड किए हैं जो पिछली बार नहीं किया है और इसमें और अलग अलग तरीके के एनर्जी सर्कल्स जो अपने आप बनाओगे एंड कलर्स अपने आप लगाओगे उसमें और क्या है छू मंत्र डिवाइन वाला उसको भी हम एक्चुअली क्या है हम सबको यूज करेंगे स्विच वर्ड में क्या है इंग्लिश वर्जन भी है छू मंत्र भी है हीलिंग कोड्स भी है और आपके डिवाइन कोड्स भी है एंजल नंबर भी है बाग फ्लावर भी है बाग फ्लावर कोड्स भी है तो आपको जो यूज करना आप उसको करके पूरा एनर्जी सर्कल बनाइए ग्रेट इट्स पावरफुल इट्स वेरी पावरफुल वेरी पावरफुल जैसे इन्होंने बोला अगर रेंट का करना है तो सूर्य प्रकाश जी हम लोग इनको बाग फ्लावर का भी ले सकते हैं बाद में है ना यस हां फटाफट काम कर जाएगा So, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आने वाले कोर्स की जर्नी में एंड गेट योर एनरोलमेंट डन एंड तब तक के लिए आप सबसे मेरी आज्ञा चाहेंगे और मंडे को मिलेंगे आप सबसे वंस अगेन मंडे एट द रेट 7:30 राइट 19th of September सो प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन बाय द टाइम आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार में अपना समय कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका संगीता जी आपका सबका और सबको इजाजत दीजिए धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नमस्कार थैंक यू थैंक यू थैंक यू